आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया। अनियंत्रित डबल डेकर बस का टायर फट गया। आपको बता दें कि टायर फटने से डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि बस पलटते ही एक्सप्रेस वे पर मची चीख पुकार। जयपुर से बिहार जा रही थी डबल डेकर बस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज के तिरवा कोतवाली के पास ये हादसा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप कुमार हमसे जुड़ रहे हैं। दिलीप, कितने लोगों के घायल होने की पुष्टि अभी तक हो पाई है? जी, आपको बता दें जो देर रात हादसा हुआ था, डबल डेकर बस थी जो इसका टायर फटने के बाद एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 35 लोग घायल हुए थे मौके पर, और मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी को पास में ही बने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तो करीब 10 से 12 लोगों को कानपुर रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, और टोटल 35 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। जी जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि 35 लोग घायल हो गए हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। टायर फटने से बस पलट गई थी। बताया जा रहा है कि बस में 65 लोग सवार थे।